The guilty verdict shows whether a person is a celebrity or whether he's an ordinary citizen. The court will go through all the facts and the court will give the verdict as per the law. Now, in this case, it is very important to see that though the case have dragged for quite some time, I think 19 years, that too for a protected Schedule 1 animal like Blackbuck, I think that took a lot of time, but I think justice is served. But what is more important here is to understand that these are all vulnerable animals, Schedule 1, Shinkara, Blackbuck and all. न्यायालय ने एक बात तो साफ कर दिया, चाहे वो सलमान खान हो चाहे देश का एक आम आदमी हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेगा, जानवरों को इस तरीके से मारेगा तो उसके ऊपर पूरी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरीके से 5 साल की सजा मिली है आज सलमान खान को, वो अपने आप में काफी सराहनीय है। हालांकि इस पूरे केस में जो 20 साल लगे इसको जिसके न्याय को मिलने में, वो अपने आप में काफी काफी तरीके के सवाल उठाता है और कहीं ना कहीं पशु प्रेमियों का एक विश्वास को कमजोर करता है कि अगर लोग ऐसे ही आएंगे और जानवरों को मारते रहेंगे और उसको न्याय मिलने में 20 साल, और अभी तो और अगर हायर कोर्ट में अपील किया तो और भी टाइम लग सकता है। तो ये जो पूरा जानवरों को लेकर जो केसेस चलते हैं, इनको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है और पनिशमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी आए, न्याय जल्दी से जल्दी मिले, ताकि और लोग इस काम को करने से डरें।